बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी बेगूसराय के मटिहान प्रखंड में आया हूँ। वहाँ पर बिहार का नाम रोशन करने का साथ साथ बेगूसराय का भी नाम रोशन करने का काम किया। यहाँ के एक स्कूल जो बदलपुरा के जो उत्कर्मित विद्यालय है, हम वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख रहे हैं कि शिक्षकों का सम्मान समारोह चल रहा है इस समय, और हमारे बीच देख रहे हैं बहुत से सारे छात्र और एवं छात्राएँ मौजूद हैं। छात्र ने जो यहाँ पर जो मेहनत करके जो इस स्कूल को इस मकाम पर लाने में और बिहार के जिला बेगूसराय का नाम रोशन करने का जो काम किया है इस स्कूल का, और तमाम जो शिक्षकों को मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। और हमारे बीच एक स्कूल के जो स्टूडेंट छात्रा हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित हैं इस विद्यालय के, मैं उनसे जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है। सुबह रितु कुमारी, मेरा नाम रितु कुमारी जी। आपका स्कूल पूरे बिहार में एक नंबर पे आया है स्वच्छता में, तो आप इस उपलब्धि को किस तरह देखते हैं? हम अपने को बहुत ही गर्व से देखते हैं कि हमारा विद्यालय इस तरह से आया है जी। बहुत ही कहीं पूरे आपके स्कूल ने इस पूरे बेगूसराय का और पूरे बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है, और तमाम आप इस स्कूल का जो श्रेय देना किसको देना चाहेंगे? हम अपनी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एवं तमाम शिक्षक को देना चाहेंगे। आपके जो साथ जो सहपाठी हैं, आपके जो मित्र हैं, वो आपके लिए क्या आपके लिए काम किया आपके साथ साथ मिलकर? वो सभी भी मिलकर हमारे साथ उतनी ही स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जितनी हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक प्रधानाध्यापिका एवं बच्चों ने। समाज ने आपकी क्या सहायता किया है? समाज ने हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही सहायता किया है। वे हमारे विद्यालय में पानी के लिए रुपये देते थे, इसके लिए हमारे विद्यालय में वाटर कूलर दिया गया, और लोगों की मदद भी बहुत करते हैं, इस विद्यालय का बहुत ही समर्थन करते हैं। कहीं जो एक बिहार का जो एक नाम रोशन करने वाली एक मात्र विद्यालय जो बदलपुरा बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इस स्कूल के जो एक छात्रा हैं, मैं उनसे जानना चाह रहा था, और मैं और भी छात्र हैं और हमारे बीच मौजूद है, मैं जानना चाहूँगा तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम तन्नू कुमारी है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th B। 9th B के जो छात्रा हैं, और आप स्कूल आपके जो स्कूल है पूरे बिहार में एक नंबर पर स्वच्छता में हासिल किया, आपको इसके बारे में क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, गर्व के साथ बहुत से अच्छे स्थान पे आया है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। हम स्वच्छता में आगे भी मेरे स्कूल के सभी छात्र छात्राओं, मेरे फ्रेंड व्रेंड जितने भी हैं, सभी आगे भी यही स्वच्छता पर बनाए रखेंगे। सर आपका शुभ नाम? ललन प्रसाद सिंह। आप समाज सेवक हैं यहाँ के? ये हमारे ग्रामीण हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्रामीण के बिना किसी भी स्कूल का उत्थान नहीं हो सकता है। कहीं समाज को स्कूल के साथ सहयोग करना होगा, तभी एक बेहतर स्कूल और एक बेहतर समाज आप बना सकते हैं। तो मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि आपकी जो समाज के जो स्कूल है बदलपुरा उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय, तो वो बिहार में स्वच्छता में प्रथम अंक हासिल किए हैं, इसके बारे में आप सर क्या कहेंगे? बदलपुरा विद्यालय बिहार में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए मैं विद्यालय परिवार को शुभकामना और बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक परिवार की तरह अपने बच्चे को, सभी शिक्षकगण को आप मुख्य रूप से प्रधानाचार्य कंचन जी को बधाई देता हूँ कि सभी शिक्षकगण विद्यार्थी को एक परिवार और एक शिक्षा मंदिर के रूप में उन्होंने किया, और ग्रामवासी भी या विद्यालय नहीं समझकर शिक्षा मंदिर के रूप में से समझे। ग्राम का हमेशा सहयोग रहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का ग्रामीण की ओर से हस्तक्षेप नहीं होता है, जब भी होगा सहयोग होगा, चाहे आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो, ग्राम की ओर से सहयोग किया जाता है। और कंचन मैडम जो है वह विद्यालय अपना परिवार अपना गांव समझते हैं बदलपुरा का, जिसके लिए यह मुकाम पर यहां तक पहुंचा है, जिसमें कंचन मैडम जी का मुख्य रूप से है कि वह यह विद्यालय नहीं समझकर वह अपना परिवार समझते हैं। सर आपका शुभ नाम? चंद्रकांत, मैं प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मटिहानी में हूँ। सर ये जो स्कूल का जो यहाँ पर स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये अनवरत प्रयास का परिणाम है, और इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, सभी शिक्षक और सभी छात्र छात्राओं की बदौलत यह उपलब्धि हासिल हुई है। लगातार इन लोग ने पूरे विद्यालय कैंपस को सुसज्जित करने का काम किया है, इसी के रूप में इस परिणाम प्राप्त हुआ। दूसरे विद्यालय भी निश्चित रूप से इसका अनुसरण करेंगे,
और उनमें भी यह उत्साह का जागरण होगा कि हम किस तरह से बदलपुरा के तरह अपने विद्यालय को आगे ले जाएं। और जन सहयोग और ग्रामीणों का सहयोग जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ पर विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। आपका पहले शुभ नाम क्या है? मैं राम राघवेंद्र देव हूँ। मैं बदलपुरा ग्रामीण हूँ, प्रबंधकारिणी और शिक्षा समिति का सदस्य हूँ डोनर कोटा से। निश्चित रूप से एक बड़ा मापदंड कायम हुआ है। हम अपनी ओर से पूरे विद्यालय परिवार सहित, बच्चे बच्चियों सहित, अपने प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापिका को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे और भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, ताकि विद्यालय के नाम के साथ साथ चुकी गांव का नाम जुड़ा हुआ है और उसमें भी बेगूसराय जिला और मटिहानी प्रखंड का यह विद्यालय अगर नाम रोशन होगा तो सब लोग उसमें आएंगे, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बिहार भी गौरवान्वित महसूस करेगा, यही हमारी कामना है। मेरा नाम राजीव कुमार, प्रखंड बेगूसराय मध्य विद्यालय विष्णुपुर का प्रधानाध्यापक हूँ। मैं आज बेगूसराय जिला के बिहार स्वच्छता पुरस्कार में बिहार स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, बच्चे एवं अभिभावकों के प्रति अपना सम्मान जताने आया हूँ कि यह अनुपम उदाहरण होता है जब एक विद्यालय और समाज का सहयोग होता है तो बदलपुरा का निर्माण होता है, और यह उदाहरण हम लोगों के लिए एक सीख है जो हम लोग सीख कर इसी तरह के कई विद्यालयों का निर्माण कर अपने ज़िले का नाम राज्य के फलक पर आगे ले जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूरे बेगूसराय के साथ साथ पूरा बिहार का नाम रोशन करने का काम किया आपके स्कूल के, स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त कर करके आप इसके बारे में। मैं कंचन कुमारी, उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय बदलपुरा की प्रधानाध्यापिका। आज जो ये कार्य सफल हुआ, सबसे पहले तो किसी कार्य को करने के लिए निरंतर प्रयास किया जरूरत है। निरंतर मैंने प्रयास की और हमारे अभिभावक जो हैं उनका जो हमारे मदद रहता मदद मतलब सहयोग की भाव कि हम उनको लगता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो इसके भाव से गलत सही जो हो उस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। गलत भी होगा तो वो बताएंगे, गलत है तो सुधार लिया जाएगा, लेकिन उसमें मेरी टांग खिंचाई नहीं होती है, उस तरह से हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। और 18-19 में अभी मेरे वरीय शिक्षक प्रधानाध्यापक शंकरदा बोले 18-19 में हम लोग को पहले भी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था, उसमें मेरे विद्यालय का 10वां रैंक था, 84 पॉइंट था। ये 10वां रैंक से आपको एक रैंक आने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा इस विद्यालय के लिए? मेहनत के लिए तो मैं पहले ही बोली, किसी काज को एक दिन में पूरा नहीं किया जाता, रूटीन वेज उसको लाए रखिए। अपने काज में ये मत देखिए कि हमको कहीं प्रतियोगिता में जाना है किसी, ये कभी मैं भी नहीं सोची। आज जो 100 मार्क्स मिला ये तो कहीं से हम सोचे भी नहीं थे कि कभी ऐसा ऑनलाइन हमारा होगा विद्यालय का और 100 मार्क्स होगा, ये ज़रूर सोचे थे कि मैं अपने विद्यालय को एक सही मुकाम पर पहुँचाऊँगी। और जब 18-19 में मिला तो मुझे लगा थोड़ा मेहनत हम इतना ही कम दिन अभी रहे हैं, 14 में इस विद्यालय में आए हैं, उतना दिन में अगर हम ये सफल हुए तो इस प्रयास को लगातार करें, और उस लगातार करने में हमें ग्रामीण का सहयोग तो हमेशा बन, किसी भी परिस्थिति में कभी भी मैं अपने ग्रामीण को याद करती हूँ, वो हमारे साथ खड़े होते हैं। मेरे बच्चे हैं वो खुद कार्य करते हैं, उनको मैं नहीं चलाती हूँ, उनको बस उनके व्यवहार में परिवर्तन मैं लाई धीरे धीरे, कुछ समझा के बता के। गाइड सिर्फ करते रहते हैं कि आपको ये करना है, आप ये करिए, और अपने क्षेत्र में वो उन्होंने 100% जो दिया है उसी का यहाँ पर परिणाम मिला है। हाँ, ये बच्चों का लगातार परिश्रम है और शिक्षकों का उतना, एक टीम के रूप में इन लोगों ने अपना कार्य किया। ये नहीं कि स्वच्छता केवल सफाई का ये पैमाना था, हमारे अभिभावक महोदय ललन बाबू भी बताए कि 7 पैमाना इसमें था, इसमें पढ़ाई की भी बात जांच हुई। जब स्पेशल टीम आई 100 मार्क्स का रीचेक करने के लिए पटना से, तो हमारे जो अभी आप सुने होंगे स्पीच दी मेरी बच्ची, उसके जवाब
जवाब से वो दंग रह गए, उनको वो चैलेंज करती थी कि आप ये मैथ बना रहे हैं तो गलत बना रहे हैं, मैं सही बोलता हूँ, वो बता रहे मैं दूसरे नियम से बता रहा हूँ, वो सही में दूसरे नियम से, लेकिन इसको लग रहा था नहीं मैं जो बनाई हूँ वही मेरा, इस तरह का भाव है। ये सब मेरी बच्चियों का है, देखिए ये बच्चे भी कुछ लगता है बोल लगी ठीक, ये लोगों का सहयोग रहता हमेशा, सारे लोग लगे रहते हैं और बस उसी बल से आगे। हमें जो पोस्ट मिला है, एक शिक्षक का पोस्ट मिला है, राष्ट्र निर्माता का पोस्ट मिला है, तो जो भी पोस्ट मिले उसके रूप से हमें काम करना चाहिए, ये नहीं देखना कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, बस अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करिए। जो कार्य हमें मिला है ये हम अगर सोचते कि हम प्रधान हैं और प्रधान की कुर्सी पर बैठे रहें तो वो मेरे स्कूल में ये व्यवस्था नहीं होती, तो चाहे वो शिक्षक हों प्रधान हों जिनकी जो भूमिका है वो एकदम से ईमानदारी से आत्मा से वो काम करें तो हर एक स्कूल वो काम पर पहुंचेगा ही, कोई आगे कोई पीछे। क्योंकि मैं वहां भी पटना में भी बोली थी कि मेरे सारे प्रधानाध्यापक मेहनत कर रहे हैं, बस वो ये होर है उसमें अपना कोई हम तो बोले सरस्वती माँ की साक्षात कृपा है हमारे स्कूल पर, जो मेरा विद्यालय इस मुकाम पर हुआ। ये विद्यालय की गर्व की बात नहीं है, ये बदल पूरा गाँव की गर्व की बात है, आपके मटिहानी प्रखंड की बात है और बेगूसराय जिले की बात है, ये बदल पूरा की स्कूल की गर्व की बात नहीं। हमारे बीच एक शिक्षक हैं, हाँ मैं उनसे, सर आपका नाम क्या है? जी मैं नवीन प्रसाद सिंह, इस विद्यालय में स्नातक कला प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ और मैं 2018 से इस विद्यालय को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। आपके जो विद्यालय है ये स्वच्छता में पूरे बिहार में एक नंबर पर है, इस स्कूल के बारे में आपने दर्शकों को बताएंगे? हाँ देखिए हमारा विद्यालय जो है यह आज नहीं बहुत पहले से लगा हुआ है, जगा हुआ है और समाज का जब विद्यालय के बच्चों के साथ शिक्षकों के साथ सहयोग होता है तो ये स्वाभाविक रूप से स्वच्छता क्या समग्र रूप से विद्यालयी परिवेश जो है वह सुंदर बनता है और उसी का प्रतिफल है आज कि हमारा समाज हमारा विद्यालय और हम सब के सब बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसे स्वच्छता नहीं, इसे कहा जाता है बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। स्वच्छ का मतलब ये नहीं सिर्फ सफाई, आपका परिसर कितना सुंदर है और उस सुंदर वातावरण में आपके बच्चे कार्यशील कैसे हैं, आपके विद्यालय में जो भी पहलू होता है विद्यालयी परिवेश का, जैसे आप शौचालय की बात करते हैं, शौचालय होता है सब जगह होता है लेकिन उसमें बच्चे आपके कितने एक्टिव हैं, उसका रख रखाव बच्चे कैसे कर रहे हैं, उसका उपभोग उपयोग बच्चे कैसे कर रहे हैं, इस मायने में हमारे बच्चे बहुत ही सजग सक्रिय रहते हैं और इसमें हम शिक्षकों का योगदान होता है और हम शिक्षकों का निर्देश जो है वह प्राप्त होता है हमारे प्रधानाध्यापिका महोदया श्रीमती कंचन कुमारी से, जिनसे आप मिल चुके होंगे। संभव लग रहा है कि आपका स्कूल इस मुकाम पे पहुंचा है, इसमें ग्रामीणों का सहयोग, बच्चों का सहयोग, हम सभी शिक्षकों का सहयोग, ये सारे मिलजुल कर जो है सहयोग के कारण ही इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। हम लोगों का प्रयास है कि आगे बना ही रहे और आशा करते हैं कि ऐसा बना ही रहे।